हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं आप सबसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है साबुत उड़द की दाल, यानी खड़ी उड़द दाल, जो कि शादी ब्याह में बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस दाल को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी काली उड़द की दाल ली है और इसे हम 2 कप पानी डालकर भिगो देंगे लगभग 6-7 घंटे के लिए। छः सात घंटे हो चुके हैं और दाल अच्छे से फूल गई है। मैं आपको एक दाल हाथ से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अब इसे 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलिए सबसे पहले हम दाल बनाते हैं और 4 ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे। इस दाल में हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। 2 कच्चे आम डाल देंगे और 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इस दाल में कम से कम 5 से 6 सीटी जरूर लगाएंगे। ये दाल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दाल बनकर तैयार हो गई है। कलर भी कितना बढ़िया आया है, आप देख सकते हैं। हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। अब इसे मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे जिससे कि दाल और पानी एक सार हो जाए। आप देख सकते हैं कि दाल और पानी एक सार हो गया है। अब चलिए तड़का लगाते हैं। तड़का देसी घी से ही लगाइएगा। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी देसी घी लिया है, 10 से 15 लौंग ली है, 3 बड़ी इलायची को मैंने कूट लिया है, 4 से 5 तेज पत्ता लिया है, 4 से 5 लाल मिर्च ली है और 1/4 चम्मच हींग लिया है। अब तड़के को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ये दाल हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार जिसे कहते हैं, या लड़के का बरुआ, उसमें खासकर बनाई जाती है। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बिना मसाले के भी। तो आप लोग एक बार इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारी उड़द की दाल बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर से थोड़ा सा तड़का हम फिर से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।